हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन। इससे पहले ऑलरेडी हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर वीडियोज़ जो हैं वो NCERT बेसिस पर समझाई जाती हैं। NCERT हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो समझे ताकि एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें, तो हमारे चैनल पर उनके लिए NCERT को ईजी बनाया जाता है। तो आप प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें स्पेशली फॉर बोर्ड्स एंड नीट तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ट्रिक्स जो हैं आप अपने प्रिपरेशन के अंदर यूज़ कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, और मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जो कि हमें ध्यान देने हैं, और वो कंटेंट्स क्या क्या हैं चलिए हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले है मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। हम कुछ ऐसे मेथड्स की बात करेंगे यहाँ पर, कुछ ऐसे मेथड्स को जानेंगे जिससे कि जिनका यूज़ करके हम मिनरल की रिक्वायरमेंट्स को समझ सकते हैं कि प्लांट को क्या मिनरल चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, हम ये समझ सकते हैं। उसके बाद है इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो अगर आपको इसेंशियल मिनरल्स के बारे में जानना है, इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको जानना है, तो आपको क्या करना होगा, एक वर्ड जानना होगा जो कि है नेसेसिटी, कि जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, अगर वो नहीं होंगे तो कोई एक फंक्शन नहीं होगा, वो होते हैं इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। और अगर हम बात करें नॉन इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनकी नेसेसिटी नहीं होती। अगर वो हैं प्लांट के अंदर मौजूद तो हमें नहीं प्लांट को बेनिफिट होगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो अभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लांट को, वो होते हैं नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके न्यूट्रिशंस हैं, जो आपके मिनरल्स हैं, वो किस तरीके से अब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के अंदर, हम इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, कि किस तरीके से ट्रांसलोकेट होते हैं जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, आइदर फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम द प्लांट, किस तरीके से वो ट्रांसलोकेट वहाँ पर होंगे, यानी कि उनकी पोजिशन जो है वो चेंज होगी। उसके बाद है सॉइल एज अ रिजर्वियर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स जो भी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्लांट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो उनके लिए सॉइल एक रिजर्वियर का काम करती है, यानी कि सॉइल एक स्टोरेज पैकेज का काम करती है, जो कि न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर रहते हैं, मिनरल्स उसके अंदर रहते हैं, और सॉइल एक मीडियम है जिससे कि वो प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारी प्लांट के लिए, बट उसमें से हम सिर्फ एक बड़ी चीज़, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए होती है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर फंक्शंस, तो नाइट्रोजन को हम एक एग्जांपल के तौर पर लेके बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन इसीलिए बोला है ताकि आप अगर आप अगर नाइट्रोजन का मैकेनिज्म समझ जाओगे कि वो किस तरीके से मेटाबोलाइज होता है, तो आप बाकी की चीज़ों को भी कंपैरिजन करके समझ सकते हो। ओके, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले है द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियली द सेम। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हों या फिर वो प्लांट्स हों या फिर अदर एनिमल्स हों, सभी की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो बिल्कुल ही सेम होती हैं। जो क्या होती हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए। कहते हैं ना कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाओ, आप उसके अंदर, आपके फूड के अंदर कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रिशंस ही तो हैं। ये सभी जो हैं एक ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए चैप्टर को समझते हैं, मैं ऐसे ही नहीं समझाती हूँ आपको, चैप्टर के साथ साथ समझाती हूँ। हम हाइलाइटर ले लेते हैं। द रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड वाटर मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें पता है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, इन सभी की जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इन सभी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस लिए, ग्रोथ के लिए, ताकि वो प्लांट या एनिमल या ह्यूमन बींग खुद वो ग्रोथ कर सके और वो आगे डेवलप कर सके। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। ये चैप्टर जो है ये फोकस करता है इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर, जो कि इन ऑर्गेनिकली नहीं मिलते हैं,
उसके बाद है वेयर इन यू विल स्टडी द मेथड्स टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एसेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड द क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग द एसेंशियलिटी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एसेंशियल मिनरल को, किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिशन को आप पता लगा सको कि इसकी ज़रूरत कितनी है इस प्लांट के अंदर, इसके कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे। यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। आप ये भी जानोगे कि एसेंशियल जितने भी एलिमेंट्स हैं प्लांट के लिए उनका जो यूज़ है, यानी कि उनका क्या यूज़ है और वो किस तरीके से वहाँ पे काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, कि अगर वो प्लांट्स के अंदर कम हो जाते हैं, समझ लीजिए कि अगर नाइट्रोजन कम हो जाता है प्लांट के अंदर तो क्या क्या असर होगा प्लांट के ऊपर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है तो क्या असर होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या असर होगा प्लांट के ऊपर, ये है इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। एंड द मैकेनिज्म ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स, कि ये जो सब जगह आप देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज मेनली यहाँ पर आप एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, बट आप थोड़ा बहुत नॉन एसेंशियल के बारे में भी जान लेना, ओके, जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप जानोगे कि किस तरीके से ये सभी एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है जिनकी, वो अब्सॉर्ब होते हैं। एंड लास्ट है द चैप्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस यू टू ब्रीफली टू सिग्निफिकेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को कैसे फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन का कैसे यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आपको इस वीडियो में चैप्टर का आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हम चैप्टर के अंदर बेसिकली बात क्या करने वाले हैं, ओके। तो आपका जो मेन चैप्टर है गाइस, मेन चैप्टर आपका शुरू होता है यहाँ से, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, ओके। तो यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू है, जहाँ से हम शुरू करते हैं, पेन बदल लेते हैं। इन 1860 ईयर याद रखना, 1860 में जो जर्मन बोटनिस्ट थे उनका नाम क्या था, जूलियस वॉन सैक, ओके। ये एक जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बताया कि प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। इन्होंने हमें बेसिकली ये बताने की कोशिश की थी कि सॉइल इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट के ग्रोथ के लिए, बट मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस का यूज़ किया जिसको हम कहते हैं अब हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप प्लांट को ग्रो तो करवाओगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप प्लांट को इस तरीके से ग्रो तो करवाओगे, बट ये जो उसकी रूट्स हैं इसको आप कहाँ रखोगे, एक सॉल्यूशन के अंदर। और वो सॉल्यूशन क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपको सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाएंगे एक्सेप्ट सॉइल, सॉइल नहीं है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि प्लांट जो है दे कैन ऑल्सो बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की जरूरत होती है, अदरवाइज बिना सॉइल के प्लांट जो है वो ग्रोथ कर सकता है। और इस टेक्निक को, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। सिंस देन अ नंबर ऑफ इंप्रोवाइज्ड मेथड्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई एंड डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर प्लांट्स। इसी के बाद कई ऐसी मतलब टेक्निक्स यहाँ पर लाई गई, कई ऐसे मेथड्स लाए गए जिनको इम्प्रोवाइज्ड किया गया, इम्प्रूव किया गया, ताकि हम पता लगा सकें कि क्या क्या मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स के लिए, कि जिनके बिना जो हमारा प्लांट है वो ग्रो ही नहीं कर सकता, ठीक है, ग्रो ही नहीं कर सकता। सॉइल के बिना एक बार को काम चल जाएगा, बट विदाउट दीज मिनरल्स ये काम नहीं चलने वाला है। द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड्स इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ प्लांट्स इन अ सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। देखिए, इस मेथड से हमें ये पता चला कि जो आपका प्लांट है, प्लांट का कल्चर क्या है, कल्चर है कि प्लांट जो है सॉइल फ्री एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है, एक बट बसरते उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होंगी, एक डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन चाहिए होगा जिसके अंदर सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, ठीक है। दीज मेथड्स रिक्वायर्ड, आप देखिए जो हाइड्रोपोनिक जैसा मेथड है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी ज़रूरत है, एक है प्योरीफाइड वाटर और दूसरा है मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आपका नहीं बनेगा और प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी विदाउट सॉइल, ओके। तो विदाउट सॉइल अगर आपको ग्रोथ करानी है तो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद
इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वर इमर्स्ड इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जो कि देखिए वही चीज़ घुमा फिर आगे बोल रहा है जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि रूट्स जो है वो पानी के अंदर रखी जाती हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, वेयर इन एन एलिमेंट वॉज एडेड, सब्स्टिट्यूटेड, रिमूव और गिवन इन वेरिड कंसेंट्रेशन, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट को निकाल लिया जाता है या फिर किसी भी एक एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है, किस लिए, या फिर उसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, ताकि एक मिनरल सॉल्यूशन के अंदर सूटेबल एक पर्टिकुलर मिनरल सॉल्यूशन बन सके, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड, और इस मेथड की वजह से हमें पता चला जब हमने कुछ ऐड किए मिनरल्स, हमने कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए, हमने कुछ एलिमेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी उसी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर, तो हमें पता चला कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके बिना जो हमारा प्लांट है वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, जब हम उनकी कम कर दे रहे हैं कंसेंट्रेशन या उनको रिमूव कर दे रहे हैं, तो उनके बिना हमारा जो प्लांट है वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। उनसे हमें पता चला कि एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं। उसके बाद चलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक, हाइड्रोपोनिक्स जो है सक्सेसफुली एक टेक्निक की तरह एम्प्लॉय की गई है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, जैसे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि इस टेक्निक के थ्रू ग्रो किए गए हैं, जैसे कि टमाटो, सीडलेस क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरा आपका, एंड लेटेस। इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ, यानी कि एक पर्टिकुलर एक ऑप्टिमम ग्रोथ को करने के लिए न्यूट्रिएंट का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशंस वर पुअरली एरेटेड, क्या होगा अगर वो सॉल्यूशन जो है पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से बने हुए नहीं है, सारे एलिमेंट्स नहीं है उसके अंदर, तो आप सभी को पता है कि प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके की टेक्निक है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर के अंदर जो आपको टेक्निक देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के ऊपर कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन देयर, बेसिकली देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट, कई ऐसे मिनरल होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कहाँ से एंटर करते हैं, रूट्स के थ्रू, और रूट्स के थ्रू कैसे करेंगे, क्योंकि सॉइल से मिनरल लेकर कहाँ जाते हैं, रूट से होते हुए प्लांट में जाएंगे। मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हमने देखा जो 105 डिस्कवर किए गए थे आपके मिनरल्स यानी कि आपके एलिमेंट्स, उसमें से 60 से थोड़े ज़्यादा यानी कि मोर देन 60 एलिमेंट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। कई ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर स्पीशीज जो थी एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर्स गोल्ड, यानी कि देखिए जो गोल्ड के पास थे उनके पास गोल्ड वाला मिनरल है, ठीक है, जो सेलेनियम के पास थे उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेलेनियम के भी गए। तो इसी तरीके से वाइल सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्टियम, यानी कि जो कि आपके न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के आसपास ग्रो कर रहे थे तो उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई जो कि है रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम की। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो प्लांट जिस एलिमेंट के पास ग्रो करेगा उसके अंदर आपको उसकी थोड़ी झलक देखने को मिल जाएगी, वही है यहाँ पर एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स का कहना। दीज आर द टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट अ वेरी लो कंसेंट्रेशन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक किसी मिनरल को डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, चाहे वो कितनी भी कम अमाउंट में, किसी भी कितनी भी कम कंसेंट्रेशन के अंदर वहाँ पर प्रेजेंट क्यों ना हो। द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन क्या बनता है, वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ प्लांट, जैसे कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सेलेनियम एज मैंशनड अबव आर रियली नेसेसरी फॉर द प्लांट। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है तो आंसर देना पड़ेगा, और क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्या जो जितने भी आसपास इसके ये जो मिनरल्स लगे हुए हैं, एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जिसकी गोल्ड, सेलेनियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सब इतने नेसेसरी हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है क्या प्लांट के लिए। तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा तो वो हो जाएंगे एसेंशियल, और अगर इनके बिना भी काम चल जाएगा, अगर इनके होने से बेनिफिट हो रहा है और इनके जाने से कोई लॉस नहीं हो रहा है तो ये हो जाएंगे नॉन एसेंशियल। जानते हैं क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है एसेंशियलिटी के लिए, कि अगर किसी मिनरल एलिमेंट को बेसिकली न्यूट्रिएंट को आपको बताना है कि ये एसेंशियल मिनरल है, एसेंशियल एलिमेंट है, तो आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे, और वो क्राइटेरिया क्या है हम यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली एक सेकेंड ले लेते हैं दूसरा पेन। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ, कि जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है ना,
जो एसेंशियल एलिमेंट हैं उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जिनमें से सबसे पहला है कि जो एलिमेंट हैं उसको एब्सोल्युटली ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ, कि प्लांट की नॉर्मली ग्रोथ हो जाए, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा नॉर्मल ग्रोथ कर सकता है प्लांट का, उसके बाद रिप्रोडक्शन कर सकता है या नहीं इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट। जब एलिमेंट नहीं होगा तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को या फिर अपनी सीड के सेट को कंप्लीट ना कर पाए। तो ये तो साफ सीधी बात है कि अगर वो नहीं है तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। तो नेसेसिटी इज द वर्ड विच डिफाइन द एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। जो रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट की वो स्पेसिफिक होती है। अगर इतना एलिमेंट चाहिए तो इतना ही चाहिए। अगर इतना एलिमेंट आपको नहीं मिला, इतने की जगह आपको समझ लीजिए 10 ml आपको चाहिए, 10 ml की जगह आपको मिला 8 ml, ठीक है, आपको मिला 5 ml, तो इतनी जो कंसंट्रेशन है, इतनी कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा। कि ये एक और क्राइटेरिया है कि जो स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपके एलिमेंट की किसी भी प्लांट के थ्रू, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट। इन अदर वर्ड्स, आप दूसरे वर्ड्स में कहो कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई, इन ज़रूरी एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो जो सप्लाई है कुछ अदर एलिमेंट तक वो नहीं पहुंच पाएगा, या फिर कुछ अदर एलिमेंट जो सप्लाई किए जाते हैं प्लांट्स तक वो नहीं हो पाएंगे। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। इसके बाद देखते हैं, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। जो एलिमेंट है वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर, जो आपको ध्यान देना है। बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप लोग कह रहे हो कि मैम ने ये नहीं समझाया हमको। ये आपका वही हाइड्रोपोनिक्स वाला प्रोसेस है जिसको इन्होंने थोड़ा सा इलैबोरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है बट वर्ड्स को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जो हमने ऊपर जितने भी क्राइटेरिया पढ़े, जितने भी सर्टेन क्राइटेरियाज थे, उनके बेसिस पर हमने कुछ एब्सोल्युटली एसेंशियल एलिमेंट्स को ढूंढा है जो कि इंपॉर्टेंट हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। दीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इनको हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जो कि क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। नाउ एसेंशियल का ही पार्ट है ये, ओके, आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से कि एसेंशियल एलिमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मैक्रो एंड माइक्रो। जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो है मैक्रो, नाम से ही पता चल रहा है, और जो कम अमाउंट में चाहिए वो है माइक्रो, ठीक है। लेकिन चाहिए दोनों ही, एसेंशियल दोनों ही हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट्स इन एक्सेस ऑफ 10 mol किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है, Kg-1 ड्राई मैटर। द मैक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सभी किस में आ जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। इन सभी की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट में ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑफ दीज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम CO2 या फिर वाटर, या तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि इन्वायरमेंट से मिल रही है, अदरवाइज जो आपका वाटर है, जो हम वाटर प्लांट को देते हैं उससे मिलती हैं। तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमें मिलते हैं CO2 और H2O से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, जबकि जो दूसरे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो अब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि इन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेस देन 10 mol/kg पर ऑफ ड्राई मैटर, ओके। दीज इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या आता है कि ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए बट चाहिए ज़रूर, इसलिए वो एसेंशियल हैं, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ये सब क्या होते हैं, ये माइक्रो होते हैं, ये बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, जितने भी आपने ये एलिमेंट्स पढ़े, ये टोटल कितने एलिमेंट्स थे, ये थे आपके 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इन सभी में से देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स। कई ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि सिर्फ बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी ऑल्सो
सॉरी कैन ऑल्सो बी नॉट बी ऑल्सो कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इंटू फोर ब्रॉड कैटेगरीज. आप इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं आपके उनको आप चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो. और वो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं आपकी, देखते हैं यहाँ पर. दीज कैटेगरीज आर, हम हाईलाइटर ले लेते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल. कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होंगे एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स किसी भी बायोमोलिक्यूल्स के लिए. जैसे कि अमोनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो अमोनिया से हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिल गया, ठीक है, हाइड्रोजन मिल गया. तो ये सब जो है इस तरीके की बायोमोलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, ताकि किसी भी सेल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है, उसको स्ट्रक्चर देने वाला एलिमेंट क्या है वो हम पता लगा सकें. जैसे कि एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. उसके बाद है एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोस्ड, सॉरी दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी. समटाइम मैं स्पेनिश बन जाती हूँ यार, मैं दैट को दैट बोल देती हूँ, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट. एग्जाम्पल है मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल. देखिए कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स होते हैं, जो कि प्लांट के अंदर होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं. तो अगर आप क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो कम कर दो, यानी कि मैग्नीशियम हटा दो, तो प्लांट ग्रीन कैसे रहेगा. उसी तरीके से फॉस्फोरस, एटीपी के अंदर फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको हटा दो तो एनर्जी कैसे फॉर्म होगी, राइट. तो ये आके आपका दूसरा क्राइटेरिया, यानी कि दूसरा फॉर्म. अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम्स. फॉर एग्जांपल Mg2+ यानी कि मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोक्लोस एंड बायोफॉस्फेट, कार्बोसाइलेस ऑक्सीजनेस एंड फॉस्फिफिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिनोलेस, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन. यानी कि कार्बन को फिक्स करने के लिए, अमाउंट ऑफ कार्बन को फिक्स करने के लिए दोनों ही एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. जिनके बाद है जिंक. जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ, अभी कौन किसका एक्टिवेटर है यहाँ पे इसकी बात हो रही है. जिंक एक्टिवेटर है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का, और जो आपका MOMO ऑफ नाइट्रोजिनेस ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन का यहाँ पर, जो किसके द्वारा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा. फॉर दिस यू विल नीड टू रिकलेक्ट सम ऑफ द बायोकेमिकल पाथवे यू हैव स्टडीड अर्लियर. आपको अगर जानना है कि ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में जो कि इस चैप्टर की कैटेगरी के अंदर हैं, तो आप उनके लिए आगे जो पीछे आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनके बेसिस पर आप उनको जान सकते हो. सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल. पोटेशियम प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. कई ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि किस तरीके से उसके अंदर फ्लो है लिक्विड का, वाटर का, मिनरल का, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि किसके द्वारा देखा जाता है, बाय एनी काइंड ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स. जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि पोटेशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, ये कौन देख रहा है, हमारा बेसिकली पोटेशियम. यू मे रिकॉल द रोल ऑफ मिनरल्स एज सॉल्यूट्स इन डिटरमाइनिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल. अगर आपको वाटर पोटेंशियल किसी भी सेल का जानना है, तो आप जनरली मिनरल्स के बारे में पहले जानना पसंद करते हो, तभी आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल पाता है, तभी उनको आपको उनकी कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है, राइट. अब इसके बाद हम बेसिकली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा. इसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जनरली हर एक सिंगल मैक्रो न्यूट्रिएंट, हर एक सिंगल माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है बेसिकली, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या उसके कह सकते हो किस तरीके से वो काम करते हैं, हम इन सब को जानेंगे. तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर पसंद आई है, चीज़ें समझ में आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर न्यू हो तो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो, और बेल आइकन का दबा लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए. विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.